प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का ये संकल्प है कि डिजिटल एक्सेस एक एक नागरिक को मिले, डिजिटल एक्सेस के साथ समावेश हो और हर एक नागरिक का समावेश के साथ हर एक नागरिक का सशक्तिकरण भी हो डिजिटल इंडिया में। और उसी के तहत पिछले 10 वर्षों में जहां मोबाइल कनेक्शंस देश में केवल 90 करोड़ होते थे, आज 117 करोड़ हो चुके हैं और टेलीकॉम कनेक्टिविटी 85% देश में हो चुकी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो बात की, जो ये लोग आज यहां बैठकर चिल्ला रहे हैं, उन्होंने यहां बैठकर केवल हमारे 25 करोड़ देश की जनता को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी थी। आज देश के अंदर करीब करीब 90-93 करोड़ जनता को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मतलब करीब करीब 57% बढ़ोतरी हुई है। और उसी के साथ हमारा जो इंटरनेट स्पीड है 1.3 Mbps था इनके समय में, आज वही स्पीड बढ़कर 107 Mbps हो चुकी है ताकि एक एक व्यक्ति को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। जहां तक हम दाम की बात करें, जहां इनके जमाने में 53 पैसे प्रति मिनट एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए राशि दी जाती थी, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में 53 पैसे से ये कीमत केवल 3 पैसे तक आ चुकी है, मतलब 94% गिरावट हुई है। और वहीं डेटा के क्षेत्र में, क्योंकि डेटा आज सभी की जरूरत पड़ चुकी है, जहां 270 रुपए पर GB इंटरनेट डेटा की कॉस्ट थी, आज वही इंटरनेट डेटा की कॉस्ट 9 रुपए 12 पैसे तक आ चुकी है, मतलब 94% गिरावट हुई। और इसी के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन देश में जो केवल 160 करोड़ थे इनके समय में, आज 16,100 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के अंदर हर वर्ष में होते हैं। पूरे दुनिया के करीब करीब 45% डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया के आज भारत में होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का कमाल है उनके नेतृत्व के आधार पर। जहां तक इन्होंने विषय उठाया कि हमारा छत्तीसगढ़ की बात इन्होंने की, थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कई राज्यों ने भारत नेट की क्रियान्वयन अपने हाथों में ली। जब कांग्रेस की सरकार थी कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट से छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई। आज हम लोग ने निर्णय लिया है कि स्टेट लेड मॉडल में भी फेज 2 में जो इन्होंने सत्यानाश किया था, मॉनिटरिंग एजेंसी बनाकर एक एक व्यक्ति के लिए इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उसका क्रियान्वयन करके ही हम राहत की सांस लेंगे। विजय बघेल जी, कॉम्प्लीमेंट्री सर, ये कब तक होगा ताकि हमारे ग्राम पंचायत में सुविधा सुविधाजनक से चल सके, इसकी जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन पूर्वक जानना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ने इसका जो क्रियान्वयन सही से नहीं किया है, जितने हमारे शेष हमारे गांव बचे हैं पूरे देश में, भारत नेट फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत 42,000 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार ने निवेश के लिए दी थी। हमारे ऐसे राज्य थे 13 राज्य, 13 राज्यों ने अपने स्टेट लेड मॉडल के आधार पर कार्य किया। गुजरात जैसे राज्य ने बहुत अच्छा कार्य किया। जहां कमी रही है, बाकी हमारे ग्राम पंचायत, पूरे देश में 3,80,000 ग्राम पंचायत है, 2,12,000 ग्राम पंचायत भारत नेट फेज 1 और भारत नेट फेज 2 के आधार पर जुड़ चुके हैं। बाकी जितने हमारे ग्राम पंचायत हैं कुल मिलाकर 1,64,000 ग्राम पंचायत, उनको अमेंडेड भारत नेट योजना के तहत और जहां त्रुटियां बाकी हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे सांसद के क्षेत्र में, उनको भी जोड़कर 1,29,000 करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री जी ने अमेंडेड भारत नेट योजना के तहत की है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के आधार पर उसका क्रियान्वयन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ये विश्वास में सांसद महोदय को दिलाता हूं। श्री नवचरण माझी। स्पीकर सर, मेरा मयूरभंज संसदीय क्षेत्र जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी गृह जिला है, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज 5G की सुविधा हम लोगों को मिल रही है। स्पीकर सर, मयूरभंज एक आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ बहुत ऐसी जगह है आज भी है जहाँ की नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। सरकार इसके लिए कुछ विचार कर रही है, ऐसे सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क आ सके। संचार क्रांति आने के बाद बेशक हर गाँव में स्मार्टफोन पहुँच गए हैं, किंतु सस्ते इंटरनेट व्यवस्था के अभाव में लोगों को इसको पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
आशा करता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के गृह जिले मयूरभंज पर विशेष ध्यान देते हुए यहाँ इंटरनेट आदि की आधुनिकतम सुविधा पहुँचने से हमारे इस जिले के गरीब और पिछड़े हुए आदिवासी भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा और वह राष्ट्र के विकास में अपना भरपूर योगदान कर सकेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सांसद महोदय को। उड़ीसा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आज उड़ीसा में अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखें तो कुल मिलाकर उड़ीसा में करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो करीब करीब 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुका है। 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन होते हुए करीब करीब 99% पेनिट्रेशन शहरी क्षेत्र में हो चुका है और करीब करीब 45% इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र में हो चुकी है। जो मैंने अभी पूर्व के प्रश्न में उत्तर दिया, उड़ीसा भी वो एक राज्य है अध्यक्ष महोदय, जहाँ राज्य सरकार ने भारत नेट 2 के आधार पर ये निर्णय लिया कि हम भारत नेट 2 का क्रियान्वयन हम स्वयं करेंगे और उस क्रियान्वयन अक्षमता के आधार पर जो कनेक्टिविटी दी गई है एक एक गांव की, वो एक लीनियर फॉर्म में दी गई है। और ये मैं सदस्य माननीय सदस्य जी को समझाना चाहता हूँ, जब लीनियर फॉर्म में ग्राम पंचायत से गाँव को जोड़ा जाता है, अगर बीच में एक तार कट जाए तो जो उस लाइन में सारे गाँव हैं वो सारे गाँव कट जाते हैं। जबकि आधुनिकता के आधार पर ये जरूरी था कि रिंग फॉर्म में कनेक्टिविटी दी जाए। जब रिंग फॉर्म में कनेक्टिविटी दी जाती है तो अगर एक तरफ से कनेक्टिविटी टूट गई तो दूसरे तरफ से गांव को कनेक्टिविटी निरंतर रहती है। उड़ीसा सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया था, इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि जितने गांव हैं हमारे पूरे देश के अंदर जहां जहां लीनियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के जरिए, सारे गांव को हम रिंग फॉर्मेट में कनेक्ट करेंगे 1,40,000 करोड़ की योजना के आधार पर, ताकि कनेक्टिविटी निरंतर रहे, एक्सेस सदैव रहे, सशक्तिकरण आम जन के लिए सदैव रहे और पूरी तरह से समावेशी ये योजना क्रियान्वयन हो पाए। श्री नामदेव किसान सर, सर मंत्री और टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, लेकिन हमारे गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों गांव हैं उसमें कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी से वंचित है, इसलिए वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। PDS सिस्टम के द्वारा जो राशन दुकान से आप 5 किलो फ्री अनाज देते हैं और बाकी वो जो अन्न सुरक्षा कानून के अंतर्गत अनाज मिलता है वह मशीन पर अंगूठा लगाए बिना दिया नहीं जाता। इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके दल के सदस्य पूछ रहे हैं, आप उनको बोलने दे रहे हैं, आपके दल के माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे उनको, ये तरीका ठीक नहीं माननीय मंत्री जी। सर गढ़चिरौली बहुत महत्वपूर्ण है, आपके दल के लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और आप बोलने नहीं दे रहे उनको, तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। सर गढ़चिरौली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेरे महाराष्ट्र का। सर मराठा होने के नाते मेरी एक भावनात्मक लगाव इस क्षेत्र से भी है। महाराष्ट्र में जितने भी हमारे गांव हैं वहां हमारी रूरल कनेक्टिविटी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज करीब करीब 90% हो चुकी है, शहरी क्षेत्र में 100 से ज़्यादा प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 52% कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसी के साथ जहां तक हमारे पूरे देश के अंदर करीब 6.5 लाख गाँव हैं अध्यक्ष महोदय, और 6.5 लाख गाँव में से करीब करीब 6,20,000 गाँव हमारे आज इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ आज महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत भारत नेट फेज 2 में 12,513 हमने लिए हैं, 50,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल हमने ले की है और करीब करीब 9,500 हमारे ग्राम पंचायत पूरी तरह से इंटरनेट केपेबल हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो आज भी इस सुविधा से वंचित हैं, करीब करीब ऐसे 24,000 गांव हैं पूरे देश के अंदर, उनको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष पैकेज निकाला है 22,000 करोड़ रुपए का, और इस 22,000 करोड़ के पैकेज के आधार पर सारे गांव देश के अंदर मोबाइल के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और USOF फंड के आधार पर, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के आधार पर पूरी राशि दी गई है इन 22,000 गांव के लिए कि पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी इनको दे पाए, जिसमें गढ़चिरौली जिला भी शामिल है। माननीय
प्रतिपक्ष के उपनेता आपके सदस्य माने प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनको रोक रहे हो, ये रोकना ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं, उसको रोको मत, हो बोलने की स्वतंत्रता सबको है, आप उसको रोकने जा रहे हो, नो ऐसा मत करिए, ये सदन है, सदन में किसी को क्यों रोकते हो, नो ऐसा मत, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करो, वह नए सदस्य आए अपने इलाके की बात पूछ रहे हैं, आप उनको सीट पर जाकर रोक रहे हैं, ये ठीक नहीं, नो नो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अरविंद सावंत जी, श्याम कुमार दौलत जी, माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रखा गया माननीय अध्यक्ष, गणेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।